सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं जो पॉय रोड का नया हाईवे बन रहा है। चिनौर तक अभी काम आ चुका है, मतलब चिनौर से लेके आपका कोरकुइयां, सिंधौली, ये सारे सिंधौली का जो ओवरब्रिज है वो भी बन रहा है। थोड़ा सा काम रह गया, कोरकुइयां वाला ब्रिज भी लगभग आधा बन चुका है। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा हाईवे पे कितना काम हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आप लोग इधर से पुआ से पंडा या सिंदौली वगैरह जाते तो आप लोगों को काफ़ी यूजफुल रहने वाला है ब्लॉग। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। ब्लॉग पे एंड तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है चिनौर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रोड काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है और अभी यहाँ पर साइड में नालियाँ बन रही हैं। इसी रोड पे एक मंदिर आगे पड़ता है फ्रेंड्स, वो भी बीच में आ रहा था तो मंदिर को भी शिफ्ट कर दिया गया है। ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये मंदिर अभी रोड से थोड़ा सा पीछे के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने आगे के लिए बढ़ा के दुकानें या घर बना रखे थे वो तोड़ दिए गए हैं और नालियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। अभी जो फ्रेंड्स आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में एक नया रोड दिख रहा है, यही चौड़ा करके आगे तक रोड बन के जा रहा है। और सिनौली वाला जो ब्रिज पड़ता है, जब आप पुआ के निकलते पहला ओवर ब्रिज पड़ता है तो उसी की तैयारी यहां से स्टार्ट हो गई है। मतलब यहीं से चौड़ा होता हुआ रोड आगे तक जा रहा है। अभी आपको दिखाते हैं ओवर ब्रिज। अभी मैं पहुँच गया हूँ ओवर ब्रिज के पास में। और ये जितनी मिट्टी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रही है, ये नया रोड है। मतलब यहाँ पे पहले खाई हुआ करती थी, मतलब नीचे का काफी गहराई में जगह थी, लेकिन ये सब भराव करके एक नया रोड तैयार किया गया है। पहले जो रोड थी फ्रेंड्स वो आप राइट हैंड साइड के देख रहे हैं, ये इतनी पतली सी रोड थी और अब काफी ज्यादा चौड़ी रोड बना दी गई है। आगे आपको दिखाते हैं ओवर ब्रिज कितना ज्यादा तैयार हो चुका है, क्या काम वहां पर चल रहा है। काफी तेजी से काम यहाँ पर अभी चल रहा है, अभी आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओवर ब्रिज तैयार किया गया है। अभी मतलब उसके पिलर्स तैयार हो चुके हैं और ऊपर का काम होना बाकी रह गया है। और थोड़ा सा आगे भी जो एक पिलर तैयार किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मजबूती से यहाँ पर ओवर ब्रिज तैयार किया जा रहा है। अगर आप लोग कुआएं बंडा अगर जाते हैं शाहजहाँपुर से तो आप लोग पता होगा कि सिंधौली वाला ब्रिज है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि पतला से ब्रिज, अगर कोई बस आ जाए ट्रक आ जाए तो एक साइड वालों को वेट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम यहाँ पर चल रहा है, बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जो यहाँ पर आपको ट्रैफिक की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना काम यहाँ पर हो चुका है। अभी जो आगे हूँ मैं फ्रेंड्स, ओवर ब्रिज के पार निकल चुका हूँ, ओवर ब्रिज पीछे निकल चुका है। और यहाँ पर ये है सिंधौली, और यहाँ पर तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। आप लोग जब आते होंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो पेट्रोल पंप पड़ता है वहां पर काफी गहरा गड्ढा था, रोड काफी ज्यादा पतला था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा चौड़ा रोड कर दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ से लेके आगे आपको कोरकुइयां तक वर्क होता मिल जाएगा। बीच बीच में अच्छी रोड भी आ जाएगी और बीच बीच में गड्ढे भी अचानक से आ जाते हैं क्योंकि पार्ट्स में काम हो रहा, मतलब कुछ जगह पे हो रहा फिर आगे नहीं हो रहा फिर उसके आगे हो रहा। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पर काफी ध्यान रख के गाड़ी चलाने का है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ काफी ज्यादा, मतलब जो दुकानें वगैरह आगे के लिए थी उनको हटाया गया है, अतिक्रमण यहाँ से काफी ज्यादा हटा दिया गया है। कुछ लोगों के आगे के जो घर थे वो भी तोड़े गए हैं। अभी आपको आगे इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि कितना ज्यादा रोड चौड़ा किया गया है और कितना अतिक्रमण यहाँ से हटाया गया है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। अभी आप साइडों में देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा जो है रोड को चौड़ा करने के लिए यहाँ पर घर तोड़े गए हैं और दुकानें भी हटाई गई हैं।
जिससे यहाँ पर काफ़ी सही हाईवे अब बन पाएगा। जितना आपको ये नया रोड दिख रहा है बिल्कुल अभी जल्दी तैयार किया गया, इससे पहले काफ़ी ज़्यादा पुराना रोड था। तो आगे चल के जब ये रोड प्रॉपर कम्प्लीट बन जाएगा तो यहाँ पर सफ़र करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी यहाँ पर होते रहते थे, काफ़ी ज़्यादा रोड कटते थे। चलिए आपको आगे ले कर चलते हैं कोरोपिया की साइड में, वहाँ पर अभी ओवरब्रिज का काम चल रहा है, वो पूरा हो गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से पक्की नालियाँ बन रही हैं, जिससे आगे चल के यहाँ पर पानी भरने की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आ गया है कोरोपिया, और यहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरीके से अभी रोड देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभी रोड इतने एरिया का बन नहीं पाया है। थोड़ा सा बना है, मतलब बीच में बजरी आ जाएगी, फिर आगे रोड बना हुआ मिलेगा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर रोड दिख जाएगा। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, आगे आपको दिखाएंगे कितना यहाँ पर रोड चौड़ा किया गया है, कितना यहाँ पर तोड़फोड़ जो है अतिक्रमण हटाया गया है, वो आप लोग आगे अभी देख पाएंगे। ओवरब्रिज भी काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पर तैयार किया गया है फ्रेंड्स, और रोड जो अभी आप लोगों को दिख रहा है यही बस मेन रोड था पहले, लेकिन रोड बनने के बाद अभी यहाँ पर काफी ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, अतिक्रमण हटा दिया गया है, चौड़ाई बढ़ा दी गई है, बस रोड बनना बाकी रह गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे कितना काम यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोड काफ़ी पतला हो रखा था, वो अब काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। राइट हैंड साइड में तो फ्रेंड्स पहले से दुकानें काफ़ी ज़्यादा पीछे थी, उस दुकान में या जो अतिक्रमण था वो हटाया गया, और आप लोग फ्रंट साइड में जो है वो भी देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे पहले फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर अभी लोहे के पाइप लगे हुए थे वो टेढ़े थे। सामने के लिए आप लोग जो है वो ओवरब्रिज तैयार हो रहा है नया वाला, वो भी अभी करीब से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रोड को अभी चौड़ा किया गया, मतलब आप लोग कहेंगे कि रोड तो उतना पतला, लेकिन चौड़ाई बढ़ा दी गई है, बस रोड बनना बाकी रह गया है। अब चलते हैं ओवरब्रिज के पास पे, दिखाते हैं आपको कितना ओवरब्रिज बन गया है, कितना रह गया है, और कितनी ज़्यादा चौड़ाई से यहाँ पर ओवरब्रिज को तैयार किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं अभी कितना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लग रहा है, जब रोड चौड़ा हो जाएगा तो ये भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगी। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो पुराना वाला ब्रिज है बना हुआ, यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है, मतलब एक साथ दो सवारियाँ, मतलब बाइक या कार वगैरह निकलने में काफ़ी ज़्यादा एक साथ प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओवरब्रिज की तैयारी कर दी गई है, पिलर लगभग सारे तैयार हो गए हैं, बस इसके ऊपर का जो काम है वो होना बाकी रह गया है, और बहुत जल्दी जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर भी जाम लगने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी का वाटर लेवल है, काफ़ी ऊँचा चल रहा है, और यहाँ पर साइड में काम कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर भी रोड को चौड़ा किया गया है, भराव डाला गया है, उसको ये सेट कर रहे हैं। यहीं पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रोड को चौड़ा करने के लिए काफ़ी तोड़फोड़ रही है, और लोगों के आगे के लिए जो बढ़ के दुकानें बनी हुई थी उनको तोड़ा गया है। अभी फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, एक फास्ट फूड की शॉप मैंने देखी थी ऑन रोड, मतलब एक इन्होंने जो रेडी लगा रखी है, जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कम रेट में पिज़्ज़ा ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पिज़्ज़ा इनका कैसा है वो अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ, और काफ़ी कम रेट है इनका पिज़्ज़ा का। तो चलिए अभी ये एक बना के दिखाएँगे और आप लोगों को दिखाते हैं कितनी साफ़ सफाई यहाँ पर। अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं भैया हमारे लोगों की पिज़्ज़ा की जो है टॉपिंग तैयार कर रहे हैं, शिमला ऑनियन कटिंग कर रहे हैं, इसके बाद किस तरीके से पिज़्ज़ा तैयार करते हैं तो अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं।
ओवन में हमारा पिज्जा यहाँ पर रेडी हो रहा है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये आ गया हमारा पिज्जा रेडी होके, कुछ इस तरीके से पिज्जा तैयार हुआ है फ्रेंड्स। और पिज्जा का जो रेट है वो है 50 रुपीज, जो काफी कम है। खाने के बाद बताते हैं आप लोगों को कैसा है ये। फ्रेंड्स पिज्जा खा के अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस शाहजहांपुर के लिए, और काफी अच्छा पिज्जा था उनका। अगर आप लोग कोरोगैया आइएगा तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।